हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, कल है करवा चौथ और करवा चौथ से एक दिन पहले ही लोग मेहंदी लगाते हैं। तो बस मैं भी यहाँ पैरों में मेहंदी लगा रही हूँ। हाथों में कब मौका मिले ना मिले, इसलिए मैंने सोचा पहले पैरों में मेहंदी लगा लेती हूँ। और मैं यहाँ किचन में बैठ के मेहंदी लगा रही हूँ। तो किचन में बैठ के मेहंदी क्यों लगा रही हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ, आइए। तो यहाँ पर ये सोए हुए हैं नाइट शिफ्ट करके आने के बाद, और यहाँ अंदर रूम में मेरा बेटा सोया हुआ है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, तो मुझे किचन से ज़्यादा बेटर जगह नहीं मिली। मैंने सोचा यहीं पे बैठ के पैरों में मेहंदी कंप्लीट कर लेती हूँ, ताकि पैरों की मेहंदी तो सूखती रहेगी, काम करते करते कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए बस पैरों की मेहंदी कंप्लीट करी। और यहाँ शाम के 4:15 बजे लग रहा है कितना अंधेरा हो रहा है। और यहाँ पे रात को अब मैं लग गई हूँ सब चीज़ों से फ्री होने के बाद, घर का काम, किचन का काम, सब कुछ पूरा नीट एंड क्लीन करने के बाद मैं लग गई हूँ हाथों में मेहंदी लगाने। अभी टाइम हो रहा है 10:15 का, जब मैंने स्टार्ट करी है। और देख रहे हो आप, मैंने खुद से मेहंदी लगाई है, तो मुझे सेटिस्फेक्शन होती है खुद से लगाने में ना। एक लगता है कि हाँ, जो चीज़ें हमें आती हैं ना, वो खुद को सुकून देती है। अपनी खुद के लिए करूँ ना मैं कोई चीज़, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है कि हाँ, मैंने खुद से की है। इतना संतोष मन में हो जाता है। तो आप देख ही सकते हो मैंने भरी हुई मेहंदी लगाई है। हाँ, टाइम की शॉर्टेज के चलते और थोड़ी थोड़ी नींद भी आ रही थी, कहीं कहीं पे झोल झाल कर दिया थोड़ा थोड़ा, पर लेकिन भरी हुई मेहंदी लगाई है। और भरी हुई मेहंदी ही कभी कभी ही मैं लगाती हूँ, खासकर दीपावली, करवा चौथ ऐसी चीज़ों पे मुझे भरे हुए हाथ में मेहंदी लगाना बहुत पसंद है। अरेबिक तो कभी भी लगा लेती हूँ। तो मैंने दोनों साइड भर के लगाई। मेहंदी का काम तो हो गया, अब मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि कई दिन हो गए हैं। करवा चौथ से पहले मेरा, बोलते हैं ना कि करवा चौथ वाले दिन फास्ट रहो, मेरा करवा चौथ से 3 दिन पहले से ही फास्ट शुरू हो जाता है। वो इसलिए कि इतनी ज़्यादा लोगों की भीड़ रहती है, इतनी ज़्यादा मेरा वर्कलोड बढ़ जाता है, तो मुझे सिर्फ एक टाइम सुबह का जो नाश्ता होता है, सीधा फिर रात को ही खाना, पानी तक भी नहीं पी पाती मैं, तो वो वाली मेरी कंडीशन होती है। और अभी मैं जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैंने, क्योंकि अभी सिलाई भी करी थी। सिलाई का कंप्लीट करके मेरा ब्लाउज़ तो रह गया, उसमें हाथ का काम वो सुबह करूँगी। और सिलाई का काम कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने मेहंदी लगाने बैठी 10 बजे। तो बस अब मैं बंद कर रही हूँ वीडियो को और जा रही हूँ सोने। बाकी का जो भी रहेगा वो आपको, कल करवा चौथ है, जो भी जैसा भी रहेगा फिर वो कल के व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। तो मैं ये करवा चौथ से एक दिन पहले बना रही हूँ। हाँ, और व्लॉग कब आएगा ये वो नहीं पता। लोगों की तैयारी चल रही होगी, कोई मेहंदी लगाने में बिजी होगा, कोई अपनी ब्लाउज की सेटिंग कर रहा होगा, कोई कल कौन सी चूड़ी पहननी है वो, कोई पायल बिछवे नए नए निकाल रहा होगा, कैसे वाले इयररिंग्स पहनूंगी और कैसे नाक में पहनूंगी। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ करवा चौथ को लेके, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि एक ही चीज़ ऐसी है जो हम अपने हस्बैंड के लिए करते हैं, बाकी तो सब अपनी खुशी से अपने लिए करते रहते हैं, जब मन चाहे तब। एक साल हम इंतज़ार करते हैं इस करवा चौथ का, जिसके लिए हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, महीनों महीनों से पहले तैयारियाँ करना शुरू कर देते हैं कि ये साड़ी पहननी है, वो वाला वो पहनना है। तो बहुत सारी चीज़ें, इतना क्रेज़ रहता है लेडीज़ में बहुत ज़्यादा। तो बस वो क्रेज़ मेरा भी ऐसा नहीं है, मैं थक गई हूँ तो क्रेज़ ख़त्म हो गया, क्रेज़ मेरा भी है। बस थोड़ा सा आज रिलीफ मिल जाएगा, सो जाऊँगी, उसके बाद से फिर मेरा क्रेज़ कल देखिएगा आप लोग। रात को मेहंदी लगा के सो तो जाओ, लेकिन जो हालत होती है ना घर की, ये देखो पूरा घर खराब हो जाता, पूरा बिस्तर खराब हो जाता है, ना तो अच्छे से नींद आती, इतनी चुभती है ये। रात को लगा के सोने का बस यही नुकसान है, बाकी मेहंदी का कलर तो बहुत अच्छा आता है। और अब बाद में आएगा वो जब देखना, अभी तो मैंने छुटाई है, हाथ भी नहीं धोए। पहले क्या होता था ना, मेहंदी लगाने के लिए इतने जतन करते थे, मेहंदी का कलर अच्छा है, हम लोग तो ऐसे करते थे, कभी मेहंदी घोलने के टाइम उसमें पेट्रोल डालते थे, या फिर कभी लगने के बाद छुड़ाने से, धोने से पहले चूना लगाते थे। पर आजकल की, और पता है, आपस में बहस भी करते थे, जब हम लड़कियाँ थी आपस में लगाती थी तो बोलते थे शादी के बाद ना तेरी सास तुझे बहुत प्यार करेगी, तेरी मेहंदी का कलर बहुत अच्छा आया। बोलते थे शादी के बाद तेरा पति बहुत प्यार करेगा, तेरी मेहंदी का कलर बहुत अच्छा है, ऐसे हम लोग आपस में करते थे। और शादी के बाद कलर आने लगा, जब ये सब चीज़ें लगा के, तब बोलते थे मेरा पति प्यार करता है इसलिए देख मेरी मेहंदी का कलर ऐसा आया है। तो ये सब चीज़ें थी, लेकिन आजकल सबके तो पति प्यार करते हैं, सबकी सास प्यार करती है, क्योंकि मेहंदी में इतना ज़्यादा केमिकल आ गया, कैसे भी हाथ हो, कैसे भी कुछ हो, सबके हाथ ब्लैक हो ही जाते हैं एक दिन बाद। तो बस एक केमिकल ऐसी चीज़ है, सब पे अपना कलर छोड़ देती है। आज किस किस की मेहंदी अच्छी डार्क हुई है, किसका पति ज़्यादा प्यार करता है और किसकी सास ज़्यादा प्यार करती है,
के हिसाब से जैसे सुबह सुबह उठ के किचन में आके पानी पीती थी ना, बार बार गिलास उठा रही हूँ और पानी पीने की तरफ जा रही हूँ और भूल जाती हूँ कि मेरा व्रत है। तो बस मैं आज के दिन ना यही चीज़ की बार बार भगवान से हाथ जोड़ती रहती हूँ, भगवान मैं गलती से पानी ना पी लूँ, क्योंकि सुबह सुबह भले प्यास लगे ना लगे, बस ये हैबिट बन चुकी है ना सुबह सुबह उठ के पानी पीने वाली मेरी, कि हम डेली तैयार होते हैं, डेली वही मेकअप भी करते हैं, लेकिन आज के दिन का क्रेज़ अलग ही होता है। आज के दिन के लिए पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा एक्साइटेड होती है लेडीज़, सभी लेडीज़ होती हैं, डेली वही सिंगार करते हैं, वही सब कुछ करते हैं, देखने वाला भी पति ही रहता है, लेकिन आज के दिन के लिए स्पेशल एक अलग ही वो रहती है मन में। अभी मैं अपने पैरों में लगा रही हूँ नेल पॉलिश और बिछुए मैं चेंज करूँगी अभी थोड़ी देर में, याद नहीं रहे मुझे है तो चेंज कर लेती हूँ, मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे नया लेना ही लेना है, हाँ लेकिन अगर रहे मेरे पास तो मैं चेंज कर लेती हूँ। बाकी मेरा ये कोई जिद नहीं है कि मुझे नई साड़ी ही पहननी है, नए बिछुए ही लेने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसको चेंज कर रही हूँ, मुझे लगा था ना मेरी साड़ी में ग्रीन बॉर्डर है, लेकिन ये मैंने दूसरे कलर की लगा ली, अब मैं चेंज करके ना रेड लगा रही हूँ, ग्रीन मुझे मिली नहीं रही कहाँ है, ये भी रेड नहीं है, पिंक है। हे भगवान कैसी मेरी किस्मत सबको सामान बेचती और अपने लिए अपने कलर नहीं निकाल के रखे। डिसीजन चेंज हो गया, अब मुझे यही लगा के रहनी पड़ेगी, ना ही मेरे पास रेड कलर है ना ही मेरे पास ग्रीन कलर है, और दुकान में जितनी थी वो सब सेल हो गई, तो अभी हम इसी के साथ एडजस्ट करेंगे। मैंने दोनों पैरों में लगा लिए, देखो बिछुए चेंज करूंगी, हाथ में और लगाने हैं बस। आप लोगों को दिखाने के लिए ना मैंने कैमरे को ऐसे सेट किया हुआ है ताकि मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ कि मैं इस हाथ से इस हाथ में मेहंदी लगा लेती हूँ। वैसे मेरे काम के लिए दोनों हाथ नहीं चलते हैं, पर मेहंदी लगाने के लिए पता नहीं कैसे अपने आप मेरा ये हाथ चल जाता है, तो इतना अच्छा तो नहीं लगा पाती हूँ इस हाथ से, पर हाँ इतना बुरा भी नहीं लगा पाती हूँ, ठीक ठाक से थोड़ा अच्छा लगा लेती हूँ, ठीक ठाक से थोड़ा अच्छा। और इस हाथ पे भरा हुआ मेहंदी नहीं लगा पाती, बस मैं अरेबिक टाइप का बेल लगा लेती हूँ। तो मैं अभी फ़िलहाल तो थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ, और बाकी पूरा बनाने के बाद ना ये देखो ये भी कितना फिनिशिंग से बना है, ऐसा नहीं है कि ख़राब बनाती हूँ, तो भाई मैं उल्टे हाथ से सीधे हाथ में मेहंदी लगा रही हूँ। ये बन गया है और इसको मैं अरेबिक में ही बनाऊंगी, और आगे मैं इसमें कैसा करूंगी ना पूरा तो मैं नहीं दिखा रही हूँ अभी, पहले मैं पूरी लगा लेती हूँ उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी। कोई मैंने ड्राइंग नहीं करी हुई है कि मैंने कोई पहले से ड्राइंग करी हुई है इसमें, तब उसके ऊपर मेहंदी चला रही हूँ। तो बस और कुछ नहीं, आज के दिन भी ना मैं फुर्सत से पूजा नहीं कर पाई, कोई ना कोई थ्रेडिंग कराने के लिए आता ही रहा आज भी। और हमारे यहाँ पे 3:30-4 बजे ये कथा सुन लेते हैं कहानी, तो मुझे 5:30-6 हो गया था, बहुत लेट हो गया पूजा करने में, मैंने मंदिर में ही पूरा सामान सजा दी, नीचे चौकी नहीं लगाई, मैं नहीं लगाती नीचे चौकी, मंदिर में ही सब सजा देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं कहानी पढ़ रही हूँ, और वैसे हमारे यहाँ कुंवारी कन्या कहानी सुनाती हैं, उनको हम नेक देते हैं। लोगों ने देखा पूजा करने के बाद मैंने तो चेंज कर लिया, क्योंकि मैं ना उतनी हैवी साड़ी में काम नहीं कर सकती, चूड़ियाँ नहीं उतारी मैंने, चूड़ी पहन रखी है। बाकी जब दोबारा से चांद निकलेगा ना मैं पूजा करूँगी तब मैं फिर से साड़ी पहन लूँगी, क्योंकि अभी मुझे खाना बनाना है, तो पहले मैं खाने का काम कर लेती हूँ उसके बाद साड़ी पहनूँगी, क्योंकि बहुत हैवी साड़ी नहीं पहननी जा रही मेरे से। खाने में बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी, पूड़ी और हलवा, तो गोभी मैंने काट ली है, बस फ्राई करने जा रही हूँ अभी। और सच में लोग कैसे साड़ी पहन के काम कर लेते, मेरे से नहीं होता, और इतनी हैवी साड़ी काफ़ी दिनों से तो मेरी बिल्कुल आदत छूट गई साड़ी पहनने की, तो बस इतनी हैवी साड़ी तो बिल्कुल नहीं पहननी जाती मेरे से। फटाफट से बस मैं खाना बना लूँगी, खाना बना के फिर से साड़ी पहन के तब अच्छी अच्छी रील्स बनाऊँगी, और तब आप लोगों को बताऊँगी फिर मैंने साड़ी पहन ली दोबारा से। बन गया है मेरा हलवा, और जो ये येलो येलो दिख रहा है इसमें मैंने डाला है केसर, ड्राई फ्रूट्स मैं डालूँगी लास्ट में, ठीक है। ये बन गया है मेरा हलवा, और ये बन गई है मेरी आलू गोभी की सब्जी, जो कि बहुत ही स्पाइसी बनाई है मैंने एकदम मज़ेदार। और यहाँ पे बन गया है रायता, ये बना दिया है मैंने रायता, और यहाँ पे आटा लगा के मैंने रेडी कर दिया है, एक बार और मस लूँगी उसके बाद बस अब मैं जाती हूँ रेडी होने के लिए, उसके बाद मिलती हूँ। देखो मेहंदी का कलर कितना अच्छा है, पता नहीं मेरा पति मुझे प्यार करता है कि नहीं। बताओ मेरी मेहंदी का कलर इतना डार्क आया है, पहले ऐसे बोलते थे कि जिसकी मेहंदी का कलर डार्क आएगा उसका पति प्यार करता, उसकी सास प्यार करती है, अब तो केमिकल वाली मेहंदी आ रही है, सबके पति प्यार करते हैं। तुम
तुम बताओ प्यार करते हो या केमिकल का असर है? नहीं नहीं केमिकल असर नहीं है, रियल में। जी हाँ रियल में, रियल में डुप्लीकेट मेहंदी है। अच्छा अब मैं जाती हूँ तैयार होने के लिए, क्योंकि खाना मेरा बन गया, बस साड़ी पहन लेती हूँ मैं फिर से। कुछ लोग सोचते होंगे कि मैं सिर्फ वीडियो में दिखाने के लिए ये सब करती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब से मेरी शादी हुई है आज तक मुझे कहीं फंक्शन में जाना हो या फिर कोई भी फेस्टिवल हो जिसमें कि मैं हैवी साड़ी पहनती हूँ, तो मेरी साड़ी को हमेशा यही सेटिंग करते हैं, क्योंकि मुझसे नीचे की प्लेट्स की सेटिंग नहीं होती है, तो यही करते हैं। और ये मैं इसलिए भी दिखाती हूँ ताकि इनको देख के हर कोई मोटिवेट हो। हमें ऐसी चीज़ें दिखानी चाहिए जिससे हस्बैंड वाइफ मोटिवेट हों, और सच में एक रियल बॉन्डिंग उनके अंदर होनी चाहिए, दिखावे वाली नहीं। तो हमारे दोनों के बीच की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। इन्होंने मेरी साड़ी इतनी अच्छे से सेट करी है बहुत। भाई मेरे हस्बैंड टीवी के बहुत ज़्यादा शौकीन है, तो यहाँ पे जब वीडियो शूट हो रही थी तो उस टाइम पे टीवी चल रहा था, और कॉपीराइट आने की वजह से मैंने वॉइस ओवर करना पड़ा, नहीं तो मैं रियल वॉइस ही शेयर करती। और यहाँ पे भी वही मेरी साड़ी में पीछे पिन लगा रहे थे, बोले अच्छे से नहीं लगी। इतनी तेज तेज गाने चला रखे हैं कि कुछ वीडियो की ओरिजिनल आवाज़ तो रही नहीं, वॉइस ओवर ही करूँगी मैं। मुझे पता नहीं वहाँ पे गाने की आवाज़ ही ज़्यादा आएगी, मेरी तो आएगी नहीं, तो कॉपीराइट आ जाएगा। तो आज तो ये गाने के चला पूरे मूड में है, गाने चला रखे हैं। और बस मैंने पहन ली है साड़ी, थोड़ा सा बालों को ठीक कर लूँ, बाकी मेकअप तो ऐसे ही रहने दूँगी, मेकअप खराब ही नहीं होगा, क्योंकि मेरा मेकअप है ना वाटर प्रूफ है, कल सुबह तक भी खराब नहीं होगा। तो कैसा लगा मेरा करवा चौथ वाला लुक मुझे बताना, है ना? और बाकी चांद निकलता है हमारे यहाँ, नहीं निकलता वो पता नहीं, क्योंकि बारिश से मौसम इतना ख़राब हो रहा है, हमारे यहाँ चांद अक्सर नहीं निकलता, हमें बिना चांद देखे ही करवा चौथ मनाना पड़ता है, ऐसे ही खाना पड़ता है। खाली इधर उधर से पता करके घर में कि चांद निकला है या नहीं निकला है, या फिर न्यूज़ में देख के कि भाई अब सब जगह निकल गया, तब कहीं जाके हम 11, 11:30, 12 बजे तक हम खाना खाते हैं। बना लेती हूँ अभी खाना, मेरे लिए नहीं बना रही हूँ, मेरे बेटे के लिए बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे उतनी देर तक नहीं रुक पाते हैं। हमारे यहाँ तो चांद का काम है हर बार 11, 11:30 बजे, और मौसम ही पहले से ख़राब हो जाता है उस दिन, तो बच्चे इतनी देर कंट्रोल नहीं कर पाते। मैं इसके लिए खाना बना देती हूँ, पूजा का निकाल लेती हूँ, उसके बाद बना देती हूँ, चाहे ये भी खाएंगे तो ये भी खा लेंगे, और मैं खाऊंगी चांद निकलने के बाद ही, तो पूजा का निकाल देती हूँ पहले मैं थोड़ा सा। इस तरह से सज सवर के किचन में काम करने में एक अलग सी फीलिंग आती है ना, सच में जैसा बोलते हैं ना कि वो गाना है कि उनके घर में उम्र भर रानी बन के रहूँगी मैं, तो वो वाली फीलिंग एक सच में एक अलग वाली फीलिंग होती है, क्योंकि भरी भरी चूड़ियाँ, ट्रेडिशनल लुक और साड़ी, सच में एक अलग ही फीलिंग होती है अपने घर में काम करते टाइम। उस टाइम पे तो खुद में एक प्राउड सा महसूस होता है, मुझे तो होता है पता नहीं क्यों, खुद को एक प्राउड सा लगता है कि हाँ भगवान ने हमें ये सौभाग्य दिया है, और ऐसा ही सौभाग्य भगवान हर किसी को भी दे। सबके मन में खुशी रहती है उस दिन बहुत ही ज़्यादा, हम कितना भी काम कर लें फिर भी उसके बाद एक अलग ही एक्साइटमेंट रहती है कि हाँ जल्दी से चांद निकल जाएगा, पूजा करनी है। ये पूजा के लिए निकाल दिया मैंने, हलवा पूड़ी निकाल देती हूँ, सब्जी तो नहीं, वैसे तो मैंने बिना लहसुन प्याज की बनाई है, लेकिन फिर भी हलवा और पूड़ी से पूजा करूँगी। वैसे तो पत्नी हमेशा पल पल अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए दुआ करती है, पर आज एक स्पेशल दिन है जो कि उन्हीं के लिए बना है, तो उनके लिए तो एक बनता है कि भगवान से बस यही मांगूंगी कि इनका और मेरा साथ हमेशा बने रहे, और हमेशा हम दोनों को हर बुरी नज़र से बचाए, बस इतना ही बोलूँगी, बाकी और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी ज़िंदगी में इनका होना ही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है, जो खुद एक गिफ्ट बन के मेरी ज़िंदगी में आए उनसे मैं क्या तोहफ़ा लूँगी और क्या गिफ्ट लूँगी। तो इन्होंने मुझे दोपहर में जब बाल कंघी कर रहे थे तब यही बात बोली थी, लेकिन टीवी चलने के कारण मैं नहीं सुना पाई, नहीं तो कॉपीराइट आ जाता। तो इनका होना ही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है, बाकी ये मेरे लिए सही सलामत रहे तो मेरे लिए गिफ्ट की कोई कमी नहीं है, बाकी हर चीज़ मुझे बिन मांगे मिल ही जाती है, तो और क्या ही चाहिए, बस ये साथ रहें और हमेशा सलामत रहें, बस भगवान से मुझे यही चाहिए, और इनके लिए हमेशा मैं जब तक जीऊँ व्रत करती रहूँ। किस किस के साथ ऐसा होता है जब चांद देखने के बाद छलनी में अपने हस्बैंड को देखते हैं, तो क्या आप लोगों के हस्बैंड भी हंसते हैं? तो मेरे ये तो बहुत हंसते हैं और मुझे भी हंसी आ जाती है। मैंने बस जल्दी जल्दी पूजा कर ली, मुझे ऐसा लग रहा था कि चांद फिर से बादलों में ना छुप जाए और मैं देख ही ना पाऊँ, तो बस जल्दी जल्दी मैंने यहाँ पर पूजा कर ली, आप लोगों को भी चांद के दर्शन करा देती हूँ। तो इस तरह के हमारे यहाँ पर चांद के दर्शन हुए थे, कभी छुप रहे थे कभी निकल रहे थे। मेरी साड़ी बहुत ज़्यादा हैवी थी ना, मैं उसको संभाल ही नहीं पा रही थी, मैं बार बार सर पे पल्लू रख रही थी, बार बार सर से नीचे गिर जा रहा था।
जैसा कि हमारी भारतीय संस्कृति में हिंदू समाज में ऐसा बोला जाता है कि कोई भी पूजा सर पे कपड़ा रख के करनी चाहिए, तो बार बार मेरा पल्लू सर पे से फिसल जा रहा था। हमारे यहाँ तो इसी तरह से पूजा होती है और मुझे इसी तरीके से आती भी है, तो क्या आप लोगों के यहाँ भी इसी तरह से चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है या फिर किसी और तरीके से दिया जाता है, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं भी चाहूँगी कुछ और अच्छा अलग जानने के लिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो आप लोगों के यहाँ किसी अलग तरीके से होती हो तो वो भी मुझे ज़रूर बताना। चलिए अब टाइम आ जाता है थोड़ा सा पतिदेव की पूजा करने का भी, उनको भी सम्मान देने का। तो यहाँ बस मैंने इनके पैर छू के अपने व्रत को पूरा किया और बस जो मैंने प्रसाद बनाया था वो प्रसाद मैं यहाँ रख के जा रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा एक दीपक और प्रसाद जला के ऐसे ही रखते हैं, जहाँ पे चांद देखते हैं वहीं पे छोड़ देते हैं, तो बस मैंने भी वैसा ही किया। चलिए आज हमारे यहाँ चांद निकल गया, पता नहीं कैसे और वो भी इतनी जल्दी कि कितने, अभी 9:30 बजे हैं, 9:30 बजे चांद निकल गया, नहीं तो यहाँ पे चांद निकलने के, चांद के दर्शन होने 11:30-11 बजे भी मुश्किल हो जाते थे। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार मुझे लग रहा होगा कि 8:30 बजे इतनी जल्दी चांद निकला है। बस हमने तो अपना चांद देख लिया, दोनों चांद देख लिया हमने, आसमान वाला चांद भी और अपने चांद भी। अब आप लोग भी अपना अपना चांद देखो के साथ साथ। अब मैं ब्लॉग को भी एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ ये देखो, तो भाई हमारा चांद निकल गया ना, मेरा चांद भी दिख गया। हाँ तो बस अब हम वीडियो को एंड करते हैं। कर दी थी एंड, लेकिन इन्होंने बोला कि स्पेशली मेरे लिए रसगुल्ले मंगाए, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बोले वो तो तुमने ना वीडियो में दिखाए हैं ना खाते हुए दिखाया, तो बस एक लास्ट क्लिप हम ये वाली ऐड कर देंगे, क्योंकि स्पेशली मेरे लिए ये रसगुल्ले आते हैं, मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ। और 1 किलो का डब्बा भी अगर मुझे अकेले के लिए मिल जाए तो मैं खा लूँगी, है ना। इन लोगों को तो बस मैं एक 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 देख के ख़त्म कर देती हूँ, बाकी डब्बा कब ख़त्म हो जाता है वो मुझे भी नहीं पता। बस अपनी करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में।